Hi you guys, welcome back to a brand new video. I am Paral and today I'm doing a dewy and minimal makeup look for winters. So without any further ado, let's get started. तो मैं अपना स्किन केयर पहले ही अच्छे से कर चुकी हूँ. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का इल्यूमिनेटिंग लोशन. इससे एक बहुत ही ग्लोई और ड्यूई बेस मिलता है. इसको मैं काफ़ी अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई करती हूँ और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करती हूँ, क्योंकि इससे एक बहुत ही ग्लोई फिनिश आता है अंदर से. नेक्स्ट फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 310. ये फाउंडेशन मीडियम कवरेज फाउंडेशन है और ये स्किन लाइक फिनिश देता है. ऐसा नहीं लगता कि स्किन के ऊपर कोई हैवी लेयर लगाई है. इससे बहुत ही योर स्किन बट बेटर वाली फील आती है. और इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर. ब्यूटी ब्लेंडर से एक बहुत ही अमेजिंग फिनिश आता है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग एले गर्ल प्रो कंसील इन द शेड ऑरेंज एंड मीडियम बेज. और इससे मैं अपनी आईज कलर करेक्ट करूँगी और डार्क सर्कल्स कंसील करूँगी. और मैं कलर करेक्टर को अपनी फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए. और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर एंड उसको ब्लेंड करूँगी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से. मेक श्योर आप काफ़ी लाइट हैंड से अपना कंसीलर ब्लेंड करो, ताकि आपकी नीचे वाली लेयर्स जो हैं कलर करेक्टर फाउंडेशन की वो मूव ना हो. उसकी वजह से आपका फाउंडेशन पैची और अनइवन लगता है. नेक्स्ट टू सेट माई फेस आई एम यूजिंग लॉरा मर्सियर ट्रांसलूसेंट पाउडर. और मैं पाउडर की क्वांटिटी काफ़ी कम रखूँगी, क्योंकि विंटर सीजन है और स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है. मेक श्योर आप पाउडर वहीं अप्लाई करो जहाँ आपका मेकअप क्रीज करता है. नेक्स्ट फॉर माई आईज़ आई एम यूजिंग कीरो आई शेडो पैलेट एंड मैं इसका पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ. एंड उसको मैं अपनी आईलिड और लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी. नेक्स्ट फॉर आईलाइनर आई एम यूजिंग शुगर पॉप आईलाइनर. ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग और मैट आईलाइनर है. एंड उसके बाद मैं अपनी आईलैशेस कर्ल कर रही हूँ. एंड कर्ल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेका का आईलैश कर्लर. मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का कलोसल मस्कारा एंड मैं उसको अच्छे से अपनी आईलैशेस पे अप्लाई करूँगी. नेक्स्ट फॉर माई ब्लश आई एम यूजिंग कीरो ग्लो ऑन डुओ ब्लश. ये बहुत ही ग्लोई और फ्रेश लुक देता है फेस को. सो मैं इसको काफ़ी अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई करती हूँ, चीक्स और नोज़ पे. मैं अपने लिप्स के लिए यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर का लिप लाइनर इन द शेड न्यूड वाइन. एंड इससे मैं अपने लिप्स अच्छे से लाइन करूँगी. एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कीरो से एक न्यू प्रोडक्ट. इट्स देयर न्यूली लॉन्च क्वाड लिपस्टिक इन द शेड अल्टीमेट क्वाड. इसमें चार शेड्स की लिपस्टिक होती है. फर्स्ट है नटमैग न्यूड, सेकंड है पिंक डॉन, थर्ड है न्यूड मोका एंड फोर्थ है न्यूड जिंजर. तो आज जो मैं शेड यूज़ कर रही हूँ वो है न्यूड जिंजर. ये एक डार्क पिंक मॉव शेड है. इस लिपस्टिक की सेंट बबल गम जैसी है. ये शेड लाइट मीडियम टू मीडियम स्किन टोन्स को काफ़ी सूट करेगा. ये मैट और हाइड्रेटिंग लिपस्टिक है. काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है बट ट्रांसफर प्रूफ नहीं है. इसके साथ ही आई एम डन विद माई मेकअप. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. इफ यू लाइक इट प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड अ सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. ओके बाय.